अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। और यह है अनबॉक्सिंग टियर डी हर्मस यूडो टॉयलेट परफ्यूम के गिफ्ट बॉक्स की। मैं अनबॉक्सिंग बना रहा हूँ। अब टियर डी हर्मस आपको पता है यूडो टॉयलेट मेरा एक स्टेबल परफ्यूम है मेरा, जो मैं कॉन्स्टेंटली यूज़ करता हूँ। ये तकरीबन मेरी पाँचवीं या छठी बोतल है पिछले 1.5-2 सालों में। तो ये वीडियो बनाने का, क्या एक ही परफ्यूम की वीडियो मैं दोबारा क्यों बनाई है, ये वीडियो बनाने का रीज़न मेरा ये था कि ये जो गिफ्ट बॉक्स होते हैं, दे कम इन ऑल काइंड ऑफ कलर्स एंड ऑल काइंड ऑफ डिज़ाइंस। इसका मतलब ये नहीं कि असली है कि नकली है। थोड़ा मैं ऊपर करके आपको दिखाया था कि पूरा बॉक्स आपको नज़र आ जाइए सारी अपने आबो ताब और अपनी सारी पावर के साथ। तो अब आप जो मेरी पिछली अनबॉक्सिंग देखेंगे वो भी गिफ्ट सेट था, जिसके अंदर आफ्टर शेव लोशन भी था, आफ्टर शेव एक शावर जेल भी था, और टी ए डी हर्मस की 100 ml की बोतल थी। तो ये वाला बॉक्स भी मैंने मंगाया। मैंने बेसिकली तो ये 9,000 रुपये तक का परफ्यूम है, मगर ये गिफ्ट बॉक्स में मुझे तकरीबन 10,500 में मिल रहा था। महंगा चलो ये मंगा लेते, एक्स्ट्रा परफ्यूम भी है इसमें, एक एक्स्ट्रा 12.5 ml यूरेटोरियल परफ्यूम होगा साथ, और एक आफ्टर शेव लोशन होगा। तो मैं ये बता रहा था कि आप उसकी देखें बॉक्सिंग और इसकी बॉक्सिंग देखें डिफरेंट है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो है ना, जो ये परफ्यूम बॉक्सेस होते हैं, ये हर जगह अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, तो इनकी वैरायटी इसमें वेरिएशन आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये नकली था ये असली था। अब आप ये देखेंगे इसके कॉन्टेंट्स में, आप ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने, एक 100 ml वाली बोतल है टी ए डी हर्मस यूडी टॉयलेट की, एक 12.5 ml वाली बोतल है जो 0.42 fluid ounces बनती है, और एक आफ्टर शेव लोशन है जो 40 ml का है जो 1.35 fluid ounces बनता है। इसके अलावा उन्होंने बाकी इसके ऊपर टी ए डी हर्मस के बारे में यूडी टॉयलेट और उसकी जो सारी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो होता है, फ्रेंच, अरबी, चाइनीज, सब कुछ लिखा हुआ है, इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है उन्होंने। बाकी टी ए डी हर्मस इन्होंने बताया हुआ है मेड इन फ्रांस 23 rue Bossy D'Anglais, इसका वो है। तो ये फ्रेंच बॉक्स था, गिफ्ट बॉक्स था, और चूँकि वैल्यू ग्रेट लगी थी इसलिए मैंने ले लिया। तो उसको अनबॉक्स करते हैं। इससे ऊपर स्लिप कवर है ये वाला, प्लास्टिक का स्लिप कवर गो थ्रू, और उसके बाद जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो इसके अंदर ये परफ्यूम्स हैं, बीच में ऐसा नॉर्मली होते हैं, तो नथिंग एल्स इन द बॉक्स। ये इसका परफ्यूम, माई फेवरेट 100 ml की बोतल टी ए डी हर्मस यूरेट टॉयलेट की। ये इसका 12.5 ml की बोतल साथ है इसके, और ये इसका आफ्टर शेव लोशन है जो तकरीबन, जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं खैर मैं 12 के पीछे लिखा हुआ है। तो और उसमें ख़ास बात कोई नहीं है। परफ्यूम तो आपको पता है, इट्स अ वेरी मिस्ट वेरी वेरी जेस्टी फ्रेशिंग परफ्यूम है, और बहुत कॉम्प्लीमेंट है। ऑलवेज़ जो 2 या 3-4 दफ़ा लोगों ने पूछा कि आपने कौन सा परफ्यूम पहना है, और मैं बहुत सारे परफ्यूम पहनता हूँ मगर इसका ज़रूर पूछते हैं। इसके अलावा अंदर ने थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, इन्होंने स्यूथ प्रस्यूत और सारे रेडिएंट कंपोजिशन सोर्स ऑफ डी डर्मस की बनाने की अंदर से कहानी ढोई डाली हुई है उन्होंने बीच में। बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल बोतल आपको मैंने बताया हुआ है, इस तरह लॉक अनलॉक होती है ये बोतल, ऊपर सिल्वर होती है। आप साइडों में देखें तो अंदर से ग्रीन टीन जाएगा बोतल के अंदर, इसी तरह छोटी बोतल के साथ है वो भी ऐसी घूम के, खैर छोटी बोतल ऐसे खुलती है, ये स्प्रे है बीच में इस तरह का, तो ये इस तरह खुलेगी, वो उस तरह खुलती है। इसके अंदर भी आप देख रहे हैं ऑरेंज टीन जाता है बीच में, और ये इसका आफ्टर शेव लोशन है। नथिंग टू खाल बताने की जरूरत नहीं है, बेस्ट परफ्यूम, बेस्ट अगर ये बेस्ट है तो ये बेस्ट होगा साथ, और ये वही खुशबू है आपकी आफ्टर शेव में भी आ सकती है। तो दिस वाज शॉर्ट अनबॉक्सिंग ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स, जो भी मेरे ख्याल में 7वीं 8वीं बोतल है, मेरे ख्याल में ये 5वीं 6वीं बोतल, आई एम नॉट श्योर। तो डी ए डी हर्मस की। अब बाकी बोतलें मैं ख़त्म करने के बाद ही इस्तेमाल करूँगा, और अब उसके बाद मैं आदत है, मेरा प्लान है कि क्रीड एवेंटस एंड क्रीड वाइट माउंटेन परफ्यूम्स जो वो ख़रीदूँगा मैं, मगर पहले जो मेरा कलेक्शन ख़त्म हुई है वो ख़त्म हो जाए। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो इफ़ यू लाइक, इफ़ यू वांट एनी क्वेश्चंस, आई वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, एंड अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।